हेलो गाइस, तो आप सब कैसे हैं? आपका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आप देख सकते हैं हमारे सामने है टीवीएस रेडियन, जो कि आपको पर्पल कलर में दिख रहा होगा। तो इस बाइक का आज आपको फुल डिटेल रिव्यू मिलने वाला है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो आप देख सकें। और मैं थैंक्स करना चाहता हूँ स्वास्तिक टीवीएस का, जिसने मुझे मौका दिया, जिस वजह से मैं इस बाइक का आपको डिटेल रिव्यू कर पा रहा हूँ। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें, मैं इस बाइक का आज आपको फुल डिटेल रिव्यू देने वाला हूँ। इसका क्या क्या आपको प्राइसिंग होने वाला है, क्या क्या फ़ीचर देखने को अच्छे अच्छे मिलते हैं, और साथ ही साथ इसमें आपको क्या नए फीचर देखने को मिलते हैं, उसके बारे में मैं पूरा बात करने वाला हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको लास्ट में इस बाइक का आपको एग्जॉस्ट नॉट को भी सुनाने वाला हूँ, उससे पता चलेगा क्या ये बाइक में आपको कोई भी वाइब्रेशन है या नहीं है, और इसके इंजन के बारे में भी बात करने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें। तो आप देख सकते हैं मैंने इस बाइक को एक खाली ग्राउंड पे ला चुका हूं, तो इसी खाली ग्राउंड पे आपको इस बाइक का आज आपको फुल डिटेल रिव्यू मिल जाएगा। तो सबसे पहले इस बाइक के लुक एंड डिज़ाइन के बारे में बात करें, तो ये बाइक को आप देख सकते हैं, आपको भी ये बाइक देखने में सिमिलर आपको स्प्लेंडर प्लस के जैसा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ये भी बाइक आपको फुल्ली कम्यूटेटर सेगमेंट का बेस्ट बाइक होने वाला है। और मैं बताने वाला हूँ क्या ये बाइक आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो सबसे पहले इस बाइक के फ्रंट के बारे में बात कर लेते हैं। अब फ्रंट में इस बाइक को आप देख सकते हैं, फ्रंट से इस बाइक में आपको हेडलाइट आपको हेलोजन में ही देखने को मिलेगा। इसमें आपको एलईडी का डीआरएल देखने को मिल जाता है, और साथ ही साथ इस बाइक में आपको इंडिकेटर्स आपको हेलोजन में ही देखने को मिलेंगे। तो इसको चलिए आप फ्रंट से और आगे जाके बात कर लेते हैं। इस बाइक के आप हेडलाइट के बारे में बात करें, तो आप देख सकते हैं इस जगह पे आपको हेलोजन बल्ब का देखने को मिलता है, जो कि आपको 35 वाट का देखने को मिलता है। और इसके नीचे डीआरएल के बारे में बात करें, जो कि आपको एलईडी में देखने को मिलता है, जो कि वो आपको 5 वाट का देखने को मिलता है। और इसके इंडिकेटर के बारे में बात करें, तो आप देख सकते हैं इसका इंडिकेटर जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटा है, और ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सीबल है, जिससे एक गिरने पर आपका टूटेगा नहीं, और काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश भी देखने में लगता है। और साथ ही साथ इस बाइक के हेडलाइट के बारे में ही बात करें, तो आप देख सकते हैं इसके हेडलाइट के चारों ओर आपको क्रोम फिनिश का फिनिश देखने को मिलता है, जो कि इस बाइक को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। आप देख सकते हैं इसका क्रोम फिनिश को, और साथ ही साथ यहां पे आप देख सकते हैं इसमें आपको टीवीएस का ब्रांडिंग किया हुआ है, जो कि आपको क्रोम फिनिश के साथ ही देखने को मिलता है। और इसके कलर के बारे में बात करें, तो इसका कलर आप देख सकते हैं ये आपका पर्पल कलर में दिख रहा होगा। इसके मडगार्ड की तरफ देखें, फ्रंट के मडगार्ड की तरफ, तो इसके मडगार्ड को आप देख सकते हैं, इसमें आपको कोई भी स्टिकरिंग देखने को नहीं मिलता है, यह आपका सिंपल एंड सोवर देखने में लगता है। तो चलिए इसके टैंक की ओर देखते हैं, और इसके टैंक में देखते हैं कि आपको क्या क्या देखने को मिलता है। इसकी टैंक की तरफ देखें, तो इस बाइक में आपको 10 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है, जो कि कम्यूटेटर सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है, और ये बाइक को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है कम्यूटेटर सेगमेंट के लिए। आप इसके टैंक की ओर देखें, तो आप देख सकते हैं इस जगह पे आपको रबर का आपको पैड देखने को मिल जाता है, जिस वजह से आपका टैंक में कोई भी स्क्रैचेस नहीं होते हैं। और इस तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फ्यूल फिलिंग का ऑप्शन दिया गया हुआ है मिडल में ही। और इसके साइड में देखें, तो यह आप देख सकते हैं इसमें आपको यहाँ पर थाई का आपको रबर फिनिश के साथ यहाँ पे थाई का आपको लगा हुआ पैड दिख रहा होगा। इसके दोनों साइड आप देख सकते हैं आपको थाई का प्रोटेक्शन दिया गया है, जो कि आपको रबर फिनिश के साथ देखने को मिलता है। और इधर आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके टैंक पे, यहाँ पे भी आपको टीवीएस का ब्रांडिंग किया गया है, जो कि आपको यहाँ पे भी आपको क्रोम फिनिश के साथ देखने को मिलता है, और इसमें आपको माइनर ही स्टिकर देखने को मिलते हैं इस बाइक में। तो इस तरफ आप देख सकते हैं इसके कवर के पास, इसमें भी आपको रेडियन का स्टिकरिंग किया गया है, और इसमें भी आपको क्रोम फिनिश के साथ देखने को मिलता है। इस बाइक में मैंने एक चीज़ गौर किया कि इस बाइक में आपको ज़्यादातर आपको क्रोम फिनिश के साथ हिप देखने को मिलते हैं। इधर आप देख सकते हैं ये आपका कार्बोरेटर प्रोटेक्शन दिया गया है, जो इसके इंजन की तरफ देखें, तो इसके इंजन आप देख सकते हैं आपको डुअल कलर ऑप्शन के साथ देखने को मिल जाता है। इसके इंजन आप नीचे की ओर देखें, ये आपको लाइट गोल्डन कलर में देखने को मिलता है इसका इंजन, और ऊपर में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का देखने को मिल जाता है। तो इसके इंजन के बारे में मैं आगे बात करूँगा कि इसमें आपको क्या क्या पावर देखने को मिलते हैं। इधर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको फाइबर का देखने को पार्ट देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ पर भी आपको टीवीएस का ब्रांडिंग लगा हुआ है। इस बाइक के इधर देखें तो इसमें आपको ड्यूरा लाइफ का स्टिकरिंग देखने को मिल जाता है इसके रियर की तरफ।
इस बाइक की सीट के बारे में बात करें तो इस बाइक को आप सीट देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा वाइड है और काफ़ी ज़्यादा इसका सीट आपको प्रीमियम देखने में लग रहा होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होने वाला है बोथ राइडर और पिलियन के लिए। इसका सीट आप देख सकते हैं, इसका सीट आपको काफ़ी ज़्यादा क्यूशन्ड देखने में लग रहा होगा और कहीं से भी इसका सीट आपको हार्ड देखने को नहीं मिल रहा है हमको, और हार्ड देखने में आपको नहीं लग रहा होगा। तो चलिए इसके रियर प्रोफाइल के बारे में बात कर लेते हैं। आप इसके रियर प्रोफाइल को देख सकते हैं, ये इसका रियर प्रोफाइल आपको सिमिलर देखने में लग रहा होगा स्प्लेंडर के जैसा ही, शायद ही आपको माइनर चेंजेस देखने को मिलते हैं। ये आप देख सकते हैं इसका ग्रैब रेल, जो कि आपको फुल्ली स्टील में देखने को मिलता है, और यहाँ पर आपको रबर का फिनिश देखने को मिलता है, जिस वजह से आप यहाँ पर अपना कोई भी सामान बांध सकते हैं और सामान इसमें कैरी आप कर सकते हैं। इसके पीछे की तरफ देखें तो इसका आपको पीछे में भी आपको हेलोजन का ही देखने को मिलता है टेल लाइट है, और इधर आप देखें यहाँ पे भी आपको TVS का ब्रांडिंग किया गया है, और यहाँ पे भी आपको स्टिकर दिख रहा होगा TVS का। इधर आप देख सकते हैं इसका हेलोजन बल्ब को, जो कि इस पीछे साइड वाला भी आपको फ्लेक्सिबल देखने में लग रहा है, और इस तरह देख सकते हैं आप यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर दिया गया है, और इस जगह पर आप अपना नंबर प्लेट लगा सकते हैं, ये नंबर प्लेट लगाने का ऑप्शन दिया गया है। तो अब बाइक को आप इस साइड से भी देख सकते हैं, इस साइड भी आपको पूरा सिमिलर देखने में लग रहा होगा आपको स्प्लेंडर के जैसा ही। इधर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको रेडियन का लगा हुआ स्टिकरिंग, जो कि आपको क्रोम फिनिश के साथ देखने को मिल जाता है, और साथ ही साथ इधर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ड्यूरा लाइफ का स्टिकर देखने को मिल जाता है, और इधर आप देख सकते हैं इधर आपको यहाँ पर आपको सामान बांधने के लिए आपको ये दिया गया है, आपको हुक दिया गया है। आप इस साइड से आप इंजन को देख सकते हैं, इसमें इंजन आपको लाइट गोल्डन कलर का देखने को मिल जाता है, और साथ ही साथ इसमें ब्लैक कलर का भी देखने को मिल जाता है। इस बाइक में आपको किक और सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन दोनों ही देखने को मिल जाता है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है अगर आपका बैटरी ख़राब हो जाए तो। इधर आप देख सकते हैं इस तरह भी आपको कार्बोरेटर का आपको क्रोम फिनिश के साथ प्रोटेक्शन दिया गया है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं और इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में बात कर लेते हैं, और देखते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको क्या क्या फीचर देखने को मिलते हैं। आप इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख सकते हैं, इसमें आपको कहीं भी डिजिटल का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको फुल्ली एनालॉग का ही देखने को मिल जाता है। इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में बात करें तो इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज और ओडोमीटर भी देखने को मिल जाता है। इधर आप देख सकते हैं ये आपका इकोनॉमी का इंडिकेटर दिया हुआ है, जिस वजह से आप इकोनॉमी में राइड करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा माइलेज मिलने वाला है। इधर आप देखें तो ये आपको पावर का ऑप्शन दिया गया है, इधर आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका इंडिकेटर दिया हुआ है, आपको लेफ्ट साइड का इंडिकेटर का ऑप्शन दिया गया है, और ये आपको राइट साइड का इंडिकेटर का ऑप्शन दिया गया हुआ है, और ये आपको न्यूट्रल का साइन दिया हुआ है। अभी मेरा बाइक आपको गियर में है, इस वजह से वो आपको जल नहीं रहा है, इसको मैं एक बार ऑन करके दिखाता हूँ। तो आप इधर देख सकते हैं इसमें आपको मल फंक्शन, इंजन का वार्निंग लाइट का आपको इंडिकेशन दिया गया है, और साथ ही साथ इस बाइक में आपको एक अच्छे फीचर मिलते हैं, जो कि आपको साइड स्टैंड इंडिकेटर भी दिख रहा होगा, और ये आपका फ्यूल गेज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि आपको एनालॉग में ही देखने को मिलते हैं। इधर आप देखें तो इधर आपको TVS का ब्रांडिंग किया गया है, जो कि आपको देख सकते हैं इसका अपना ही ब्रांडिंग है, हॉर्स का ब्रांडिंग। तो चलिए और इसके स्विच क्वालिटी के बारे में अब आगे बात कर लेते हैं। इस बाइक में आपको की का ऑप्शन आपको फ्रंट में ही देखने को मिल जाता है। तो चलिए इसके स्विच क्वालिटी के बारे में बात करें तो इसका स्विच क्वालिटी को आप देख सकते हैं, ये आपका लो बीम और ये आपका हाई बीम है, जो काफ़ी ज़्यादा आपको सिमिलर देखने को मिलेंगे TVS के जैसा ही, आपको स्विच क्वालिटी देखने को मिल जाता है। और इधर आगे की ओर देखें तो ये आपका पासिंग का ऑप्शन दिया गया है, जो कि आपको दूसरे कलर में ऑरेंज कलर में दिख रहा होगा। ये आप देख सकते हैं ये आपका राइट और लेफ्ट टर्न इंडिकेटर दिया गया है, जो कि आप यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा होगा। आप इधर देख सकें तो ये आपका राइट साइड वाला इंडिकेटर जलने की वजह से आपको दिखा रहा है, और साथ ही साथ इसमें आपको हॉर्न का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसमें आपको सिंगल हॉर्न ही देखने को मिलते हैं। अपने ये आपका लाइट ऑन ऑफ का ऑप्शन दिया गया है, और साथ ही साथ इसमें आपको सेल्फ स्टार्ट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस बाइक में आपको इंजन किल स्विच का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। और इसके लेबर क्वालिटी के बारे में बात करें तो ये आप देख सकते हैं इसका लेबर आपको मेटेलिक फिनिश के साथ देखने को मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस बाइक के इंजन के बारे में बात कर लेते हैं।
तो चलिए इसके इंजन की ओर देख सकते हैं। इसका मैंने आपको पहले ही बता चुका है, इसमें आपको डुअल कलर देखने को मिल जाता है। आप नीचे की ओर देखें तो इसमें आपको गोल्डन कलर का देखने को मिलता है, और इसमें ऊपर आप देख सकते हैं इसका इंजन, इसमें आपको ब्लैक कलर का देखने को मिल जाता है। इसके इंजन के बारे में बात करें तो इस बाइक में आपको 4-स्ट्रोक फ्यूल इंजेक्टर इंजन देखने को मिलता है, और साथ ही साथ इस बाइक में आपको एयर कूल्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और इस बाइक आपको फुल्ली FI इंजन के साथ देखने को मिलता है, और जो कि आपको BS6 कंप्लाइंट के साथ देखने को मिलता है। इस बाइक के मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो इस बाइक में आपको 109.7 सीसी का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है, जो कि आपको स्प्लेंडर से ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके मैक्सिमम पावर और इसके मैक्सिमम टॉर्क के बारे में बात करें तो इस बाइक में आपको 6.03 किलोवाट मैक्सिमम आपको पावर देखने को मिलता है, और इसके मैक्सिमम टॉर्क के बारे में बात करें तो इस बाइक में आपको 8.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिलता है, जो कि इसका पावर आपको 7,350 RPM पे प्रोड्यूस करता है, और इसका आपको न्यूटन मीटर टॉर्क आपको 4,500 RPM पर प्रोड्यूस करता हुआ दिखेगा। इसके कंप्रेशन रेशियो के बारे में बात करें तो इस बाइक में आपको कंप्रेशन रेशियो 10:1 का आपको कंप्रेशन रेशियो देखने को मिलेगा। इस बाइक में आपको 4 गियर का ट्रांसमिशन ही देखने को मिलता है, और साथ ही साथ इसमें आपको क्लच वेल वेट मल्टीपल क्लच देखने को मिल जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस बाइक के ब्रेकिंग के बारे में बात कर लेते हैं। इस बाइक का आपको 2 वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, एक तो आपको दोनों ही चक्के में आपको ड्रम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और एक है जो आपको फ्रंट में आपको डिस्क और रियर में आपको ड्रम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप अपने हिसाब से इस बाइक को खरीद सकते हैं। इसके ब्रेकिंग की तरफ देखें तो इसका आप ब्रेकिंग देख सकते हैं, इसके फ्रंट में आपको डिस्क का ऑप्शन दिख रहा होगा, जो कि आपको फुल्ली पेटल डिस्क का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिस वजह से इस बाइक का इनिशियल बाइट ब्रेकिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है। और इसके आप रियर ब्रेकिंग की तरफ देखें तो इसमें आपको ड्रम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि आप खुद से देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस बाइक के सस्पेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। इसके रियर सस्पेंशन के बारे में बात करें तो इसका आप रियर सस्पेंशन आप देख सकते हैं, 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर का सस्पेंशन देखने को मिलता है इसके रियर में। और इसके फ्रंट सस्पेंशन के बारे में बात करें तो इसके आपको फ्रंट सस्पेंशन आप देख सकते हैं, इसमें आपको फ्रंट सस्पेंशन आपको टेलीस्कोपिक ऑयल डैम्प शॉक एब्जॉर्बर देखने को मिलता है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी और ख़राब रोड में काफ़ी ज़्यादा आपको कंफर्टेबल फील करने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस बाइक के टायर सेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। इसके टायर की तरफ देखें तो इसके आपके दोनों ही चक्के में आपको अलॉय व्हील्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फ्रंट टायर के बारे में बात करें तो इसमें आपको 2.75x18 का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है, और इसके रियर टायर के बारे में बात करें तो इसमें आपको 3.00x18 का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है, जो कि आपको स्प्लेंडर से आपको रियर टायर काफ़ी ज़्यादा वाइड और काफ़ी ज़्यादा मोटा देखने को मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस बाइक के प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं। इसके एक्स शोरूम प्राइस के बारे में बात करें तो ये बाइक आपको 69,000 में अप्रॉक्स देखने को मिल जाएगा, और इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में बात करें तो ये बाइक आपको 80,800 में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस बाइक के डायमेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। इस बाइक के सबसे पहले वेट के बारे में बात करें तो इस बाइक का वेट आपको 116 kg का वेट देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लाइट एंड वेट होने वाला है, जिस वजह से इस बाइक का आपको माइलेज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। इस बाइक के माइलेज के बारे में बात करें तो इस बाइक में आपको अप्रॉक्स 55-60 का आराम से KMPL का माइलेज देखने को मिल जाएगा। ये आपका राइडिंग पोजीशन और राइडिंग पोस्चर पे डिपेंड कर सकता है। इसके ओवरऑल लेंथ के बारे में बात करें तो इसका ओवरऑल लेंथ 20-25 mm का ओवरऑल लेंथ देखने को मिलता है, और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करें तो इस बाइक में आपको 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा देखने में मिलता है, और काफ़ी ज़्यादा आपको ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा देखने को मिलता है, जो कि आपको खराब रोड में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। और इस बाइक की व्हील बेस के बारे में बात करें तो इस बाइक में आपको व्हील बेस आपको 1265 mm का व्हील बेस देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो चलिए अब लास्ट में इस बाइक के एग्जॉस्ट नोट को सुन लेते हैं और देखते हैं इसका एग्जॉस्ट नोट आपको कैसा सुनने में लगता है। तो चलिए चाबी को ऑन कर लेते हैं। चाबी ऑन है,
तो अभी आपने इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट को सुना, जो कि आपको एग्जॉस्ट नोट काफ़ी ज़्यादा बेस और काफ़ी ज़्यादा ट्यूनिंग इसका हार्ड देखने को मिलता है, जिस वजह से इस बाइक में आपको कोई भी ज़्यादा वाइब्रेशन देखने को नहीं मिलते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसा लगा मेरा वीडियो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको किसी भी बाइक रिलेटेड वीडियो चाहिए तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।